नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ और दिवाली की आप सभी के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं और आपको आने वाला ये वर्ष हेल्दी और वेल्दी रहे ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे हमने कंसिस्टेंट एक वीकनेस देखा है और ये ग्रेजुअल वीकनेस है। इसकी वजह यही है कि जो क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग हैं। और अगर आज यूएस की बात करें तो यूएस मार्केट्स भी नॉमिनल लॉसेस के साथ क्लोज हुए, लेकिन पोस्ट मार्केट जो नंबर्स आने वाले थे उसमें माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे और इसी वजह से ये स्टॉक लगभग 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी अगर आप देखें तो स्लाइटली ऑन द लोअर साइड ट्रेड कर रहा है, निगेटिव टेरिटरी में। और साथ ही साथ अगर हम ग्लोबल मैक्रोस की बात करें तो वहाँ पे अभी भी कोई बड़ा रिलीफ इमर्जिंग मार्केट्स के लिए निकल के नहीं आ रहा है। हमें लगता है कि कल के दिन में जो मार्केट ने एक सेटअप बनाया है वो एक पॉज का सेटअप है, या एक मैं कहूँगा कि साइडवेज कंसोलिडेशन का पैटर्न बना हुआ है। जो हमने एक बड़ी रैली देखी थी 24,000 से लेकर 24,500 की, उसी का एक ये पॉज है या कंसोलिडेशन है। और उसके बाद हमें लगता है कि वापस से मार्केट में एक रिकवरी वाला ट्रेंड बन सकता है। बट 24,200 ये मार्केट के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और अगर इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम वापस से एक बार 24,000 तक के लेवल्स रिटेस्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर मार्केट ने 24,200 के लेवल्स को हिट करने के बाद अगर कोई भी बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया तो उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में हम कुछ लॉन्ग पोजिशंस बना सकते हैं। लेकिन 24,500 ये मार्केट के लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस है और कल के दिन में भी हमने देखा कि मार्केट उन लेवल्स को क्रॉस करने में नाकामयाब रहा। आज बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन के ऊपर कोई पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज इसे अवॉइड करें। स्टॉक स्पेसिफिक बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे स्टॉक्स के नंबर्स अच्छे थे और हमें लगता है कि कल के दिन का जो सेटअप था बैंक निफ्टी का वो भी एक साइडवेज वाला सेटअप था, एक करेक्शन उसमें आया। और मुझे लगता है कि 51,500 ये एक बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक 51,700 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक हमें लगता है कि वहाँ पे एक रिवर्सल एक्टिविटी बन सकती है, लेकिन जो फ्रेश ख़रीदारी करनी है वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सल फॉर्मेशन ही करनी है, अदरवाइज इसे अवॉइड करें। हायर लेवल्स पे 52,600 या 52,700 के लेवल्स के ऊपर यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी बनेगी और फिर उस केस में हम 53,000 या 53,200 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। अदर इंडाइसेस में मुझे लगता है कि आईटी और साथ ही साथ हमें लगता है कि जितने भी कमोडिटीज़ हैं इन्हें हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि इन सेक्टर्स में स्टॉक्स में हमें कुछ हलचल देखने मिलेगी, क्योंकि आने वाले हफ्तों में जो इवेंट्स हैं यूएस इलेक्शन या तो बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है या चाइना की जो स्टिमुलस के ऊपर मीटिंग है, फेड की जो मीटिंग बनी हुई है और इंटरेस्ट रेट के दरों के ऊपर, इन्हीं वजह से हमें लगता है कि ये दो सेक्टर्स में आईटी और कमोडिटीज़ में काफ़ी बड़ा हमें ओवरऑल एक ट्रेडिंग मोमेंटम मिल सकता है। तो इन दोनों सेक्टर्स को आप वॉचलिस्ट में रखें और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन जब तक ना बने तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट्स में कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।